you okay. हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा

कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आईलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन वर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेड मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आईलैंड ऑफ को पी पी मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेस्ड रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन वर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा

कैनज रॉबर्ट कैली फिल्म को उसनेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनिज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन फोर्टी मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो के प्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ़ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा

कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी केप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन वर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन फोर्टी मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्स फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन वर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो के कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आईलैंड ऑफ़ को पी पी मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन वर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जनी लेडियोन विलियो कैनज रॉबर्ट कैली फिल्म को उसनेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी केप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन वर्जेनी लेडियोनियोम कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन फोर्टी मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जनी लेडियोन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पीली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ़ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा

कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो के कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आईलैंड ऑफ को पी पी मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बीच रही है, 1996 की नोवल, जिसका नाम था लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडियो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विरजेनी लेडियोन कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पीली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन फोर्टी मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पीली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो के कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेस्ड रही है 1996 की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ़ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा

कैनज रॉबर्ट कैली फिल्म को उसनेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन वर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन फोर्टी मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आईलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन वर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा

कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गार्ड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ़ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी 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 बीच रही रही की नोवल, जिसका नाम था बीच एलेक्स के द्वारा बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस को को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स प्रोड्यूस किया एंडियो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहेन वर्जेनी लेडियो कैनज रॉबर्ट कैली फिल्म को उसने मेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो के कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन फोर्टी मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आईलैंड ऑफ़ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो के प्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बीच रही है, 1996 की नोवल, जिसका नाम था लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है बीच एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडियो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विरजेनि लेडियोन कैनज रॉबर्ट कैली फिल्म को उसने मीटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी केप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विजेनी लेडियोनियोम कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ ऑफ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो के कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेस्ड रही है 1996 की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ़ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा

कैनज रॉबर्ट कैली फिल्म को उसने मीटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फाइव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो के कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन फोर्टी मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आईलैंड ऑफ को पी पी मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ की यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा

कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी केप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पीली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी केप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ़ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा

कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आईलैंड ऑफ़ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गार्ड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गण फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्स फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेस्ड रही है 1996 की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो के एप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैपरों की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा यह मूवी बेच रही है नाइनटीन की नोवल जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स्ड टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही है द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंडू मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन वर्जेनी लेडियॉन विलियो कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन फोर्टी मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आईलैंड ऑफ़ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीडा स्विंटन वर्जेनी लेडियोनियोम कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमेटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज़ यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अनिंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखिएगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो डी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा

कैनज रॉबर्ट कैरली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माश्योरोरा क्यूबो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो बेडाला मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थाई आइलैंड ऑफ को पी पी ली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डोडी कैप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवेंचर हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं मूवी का नाम है द बीच लियोनार्डो डी कैप्रो की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आप इसको कह सकते हैं एडवेंचरस ड्रामा फिल्म रही है मूवी को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने काफी अच्छा डायरेक्शन दिया है एंड स्क्रीन पर दिया गया है जॉन हॉज के द्वारा मूवी बेच रही है 1996 की नोवल, जिसका नाम था द बीच एंड एलेक्स गैलेंड के द्वारा मूवी बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस रही है मिक्स टू नेगेटिव रिव्यूज इस मूवी को मिले हैं फ्रेंड्स रिव्यू अच्छा लगे वीडियोस को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिल्म बेस्ड रही द बीच बाय एलेक्स गैलेंड फिल्म को प्रोड्यूस किया एंड्रो मैकडोनल्ड फिल्म के स्टार्स रहे लियोनार्डो डी कैप्रो टीटा स्विंटन विर्जेनी लेडियोनियोम कैनिज रॉबर्ट कैली फिल्म को स्नेमिटोग्राफी दी है डेरियोस कौनसी फिल्म को एडिट किया है मा माशियोरो फिल्म को म्यूजिक दिया है एंजेलो एंजिलो मेंटी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने फिल्म की रिलीज डेट रही है एलेवंथ फ्वेव टू थाउजेंड फिल्म का रनिंग टाइम वन हंड्रेड नाइनटीन मिनट का है कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम रही है लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है फिफ्टी मिलियन डॉलर का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है एंड वन मिलियन डॉलर की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है अच्छी मूवी है फ्रेंड्स आप इस मूवी को देखेगा इट वॉज़ फिल्म ऑन द थी आइलैंड ऑफ को पी पीली मूवी में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन मिला है एंड मूवी को काफ़ी अच्छा स्क्रीन पे भी दिया गया है लियोनार्डो के एप्रो की परफॉर्मेंस को काफ़ी पसंद किया गया है काफ़ी एडवें